राधे राधे दोस्तों, कमला विनायक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं सरसों की साग की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए मैंने सरसों का साग कैसे बनाया है। मैंने मक्के की रोटी भी यहाँ पे बनाई है, पर मैं मक्के की रोटी नहीं बताऊंगी आज, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाई है। ये मैंने सरसों का साग ले लिया है, इसके मोटे मोटे डंठल निकाल देने हैं हमें, सिर्फ पत्ते रखने हैं, मोटे मोटे पत्ते काट कर बॉयल कर लेना है थोड़ा सा नमक और पानी डालकर। नमक ज़रूर डाल दीजिए, कोई भी साग आप बॉयल कीजिए तो उसमें नमक ज़रूर डाल दीजिए, जिससे उसका कलर हरा ही रहता है, कलर चेंज नहीं होता है, देखने में अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। ये मैंने पत्ते काट लिए हैं सरसों के और इसमें मैं थोड़ा सा बथुआ डाल दूंगी। बथुए की जड़ें साफ कर ली थी, सारा साग धुला हुआ है। ये पालक ले लिया है, पालक की मैं जड़ें काट कर पालक भी बॉयल करूंगी। पालक, बथुआ और सरसों का साग तीनों मिला करके मैं साग बनाने वाली हूँ और ये सभी कुछ बॉयल हो चुका है। मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी और ये सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भी मैं काट लूँगी। ये पेस्ट बना लिया है मिक्सी में सभी चीज़ों को मिलाकर। ये दो जगह है, मैंने थोड़ा सा आधा निकाल दिया है, आधा मैं फ्रिज में रख दूंगी, आधा ही अभी आधे में छौंक लगाऊंगी। जितना आपको खाना है उतने में ही छौंक लगा लीजिए, बाकी फ्रिज में रख दीजिए, ये सही रहता है। ये तेल गरम हो चुका है, मैंने जीरा, लहसुन, अदरक और प्याज सब कुछ इसमें डाल दिया है। प्याज जब गुलाबी हो जाए तब इसमें टमाटर डाल दीजिए, आप लोग बनाइए तो। बस इतना ही मसाला इसमें पड़ता है, बहुत टेस्टी बनता है, जाड़ों में बहुत खाया जाता है, ये मक्के की रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। टमाटर और ये लाल मिर्च कुटी हुई डाल दी है मैंने थोड़ी सी, ये नमक डाल दिया है, इससे टमाटर हमारा गल जाएगा अच्छे से। अब मैं इसमें साग डालूंगी जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था। बनने में टाइम नहीं लगता है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। थोड़ी सी पीसी खटाई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है साग में। साग तैयार हो चुका है, देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को। ये देखिए हमारा सरसों का साग, मक्के की रोटी और घी, गुड़ सब कुछ तैयार है।